दोस्तों मेरा नाम लकी मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी, लकी भाई नमस्कार जी नमस्कार एवरीवन परमिलेपा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन आज के दिन मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ। सेवा में एक ही सेवा में जितना हो सके सहभाग करने की कोशिश करता हूं परमेश्वर की कृपा और उसकी इच्छा में जो आता है उसको खुशी खुशी स्वीकार करने की कोशिश करता हूं और एक शुक्रगुजार मन रखता हूं दोस्तों आपकी संगत ने इस नाशुकरे में वो थोड़ा सा शुक्राना भर दिया सुबह सूरज को देख के मुस्कुराने को मन करे आज का टॉपिक बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के विरुद्ध वाला टॉपिक है बचपन में आए हुए अनुभवों ने मेरे घर के वातावरण ने मुझे डरा और सहमा हुआ बना दिया था मैं अपने आप को लाचार बेसहारा ऐसा ही समझता रहता था शर्म से घिरा हुआ रहता था अपराधीपन की भावना घर कर चुकी थी और वो मेरी सारी बचपन की यादें खेलने भी जाता था तो ज्यादा वक्त होने पे दौड़ के घर की तरफ आता था बड़ा डरपोक था मैं आता पाई करना योग्य ही नहीं था क्योंकि तो कहीं ना कहीं घर के वो वातावरण ने मेरे अंदर ये सारी भावनाएं डाल दी थी और मुझे याद है कि मैं कभी किसी से गुस्सा कर ही नहीं गुस्सा आता भी था तो भी दिखा नहीं पाता था मैं वोकल हो नहीं पाता था तो था ना एक छोटा बच्चा था जिसके सर के ऊपर बालों का एक जुड़ा जो लड़की जैसा दिखता था तो कोई कुछ भी कर ले बाहर और घर में मिलकर के जो अनुभव आए उन्होंने एक क्रिया को जन्म दिया और वो क्रिया ने मुझे एक बनावटी तौर तरीका अपनाने पे मजबूर किया मैंने चापलूसी करनी शुरू की मैंने लोगों को प्लीज करना शुरू किया मैं पीपल प्लीजर बन गया मैं हमेशा किसी की भी आज्ञा का पालन करने में तात्पर रहता था भले उसमें मेरी मर्जी हो या नहीं हो डर इतना था कि मैं किसी भी प्रकार के पराभव पराजय या विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता था आज भी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाए तो पुराने स्वभाव के बादल छाने लगते हैं। ऐसे ही वातावरण में रहते रहते जब पहली बार मेरे शराब में हाथ में शराब का गिलास आया तो नशे से ज्यादा उसने मुझे मुक्ति का एहसास दिया जोर से गाना गाया लोग मुझे शर्मिला बोलते थे जोर से गाना गया अकेले नहीं मेरे से मेरे छोटे दोस्त के साथ बहुत सारी संकल्पनाएं थी शराब के बारे में क्योंकि मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था वो टूट गई उस दिन और सडनली मेरे जैसे एक इंसान एक डरपोक इंसान के मन में पास एक ताकत की मुलाकात हो गई थी और वो ताकत में परिवर्तन थे। वो उस ताकत में परिवर्तन करने की एक बड़ी अजीब की माया थी माया भी कह सकते हैं उसे जैसे जैसे शराब की मुलाकातें मेरी बढ़ती गई तेरह साल से लेकर के पंद्रह सोलह साल की उम्र तक मेरे में बहुत बदलाव आया आमतौर पे मैं कोई एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने जाता नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से छोटे बच्चे दस दंड बैठक या सौ दंड बैठक फेल लेंगे मेरी तीस चालीस में ही बोलती बोल जानी है नहीं लेता था भाग मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाता हूं ना कन्नी काट लेता था चापलूस बन जाता था किसी भी प्रकार की स्पर्धा में मैं हारूंगा ही यही विचार लेके चलने वाला मैं बन गया था और फिर शराब की मुलाकात के बाद धीरे धीरे ये विचार हटते गए और मुझे रियलाइज हुआ अरे मैं वो लड़का नहीं हूं जिसको कोई भी आके पेट में गुच्छा मार के दोहरा करके चला जाए अपने से आधी उम्र का भी एक झापड़ तो मार के देख पहला झापड़ मुझे ऐसा लगता है कि पीने के बाद ही मारा होगा रिक्शे वाले को मारा था वो भी पिया हुआ था बात करने की हिम्मत सभी चीजों की हिम्मत और उसके बाद जैसे जैसे मुलाकात बढ़ती गई उस प्रकार के लोग मिलते गए और वो परिवर्तन आने के बाद आप सब जानते एक समूह जब टीनेजर का पिया हुआ हो तो उनको कुछ भी असंभव नहीं लगता है फिर भले ना पहली चोरी वो मोटरसाइकिल का कांच चुराने की हो कुछ डेरिंग वाला किया इसी प्रकार से मेरी मुलाकात उन झूठे इमोशंस के साथ होती गई उन दिखावों के साथ होती गई के डरे होने के बावजूद भी मैं जो नहीं हूं मैं दिखाता गया सच्चाई तो पहले भी स्वीकार नहीं थी अभी भी स्वीकार नहीं है क्योंकि मेरे खुद के बारे में विचार विकृत हो चुके थे और इन्हीं विकृत विचारों को शायद न्यूनगंड कहते हैं साइकेट्रिस्ट ये मुझे ए में आने के बाद पता चला ये मेरे अगले प्रवास में प्राइड अहंकार गुरूर गुमान ऐसी सारी चीजों का भरभराहट होने लगी उसके साथ में ग्रैंडियोस होने लगा और ये दुनिया अच्छी लगती थी मुझे जब लोग मुझे लकी सेठ कहते थे मुझे आज भी याद है एक गुंडा था हमारे एरिया का और उसने किसी को तकलीफ दी थी ताला मैं फट्टू आदमी तीन पैक पीने के बाद में मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया था यह अलग बात है कि उसने दो फाइट में, में मेरे को सुला दिया था लेकिन और मुझे तब तक ये पता चल गया था कि साला डरेगा तो मरेगा ये तो सामने वाला मारे उसके पहले बड़ी दिखाओ ये सारे इस प्रकार के व्यवहार मैंने इकट्ठा किए पीने के वक्त और इकट्ठा करते करते पता नहीं कब वो दिन आ गया जब मैं ऐसा ही हो गया जब मेरा सच्चाई से नाता टूट गया जब गुरूर और गुमान झूठा ही सही उसके बगैर जीना अच्छा नहीं लगने लगा जब कुछ ना कुछ देरिंग वाला काम करना पड़ेगा जब कुछ ना कुछ, ना कुछ अलग करना पड़ेगा जब अपनों की बातचीत या बोलना या समझाना न्यूसेंस लगने लग गया जब वो भगवान का डर पता नहीं कहाँ निकल गया बिल कहता है कि एक, एक एक्सपेरिमेंट करने वाले शराबी को पूरी तरह से अल्कोहलिक बनने में बीच में दो दीवारें होती हैं एक समाज की दीवार और एक धर्म की दीवार इन दोनों का डर होता है हर जो कि एक कल्चर सोसाइटी से आता है एक दिन मेरा समाज का डर टूट गया और एक दिन मैं पी करके गुरुद्वारे चला गया कुछ नहीं हुआ तो मेरा धर्म का भी डर टूट गया और मेरे इस इस चेंज पर्सनालिटी में वो दोनों डर चले जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि कैसी प्रफुल्लित हो गई बढ़ गया अल्कोहलिज्म फिर ऐसे लगने लगा जैसे तबियत को भी कुछ नहीं होगा यार मेरा बड़ा भाई पीपी के मर गया साला पागल था उसको पीना नहीं आया डर निकल गए अभी लगने लगा भले काल्पनिक ही सही ऐसा लगने लगा जैसे हर चीज का जवाब है मेरे पास खामखा की बहसबाजी में जो चीजों का पता नहीं है उसके बारे में भी बात करने की तैयारी होने लगी यहां वहां से ऐसी चीजें उठाने लगा जो कि आमतौर पर मेरे काम की नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं काम में आएगी एक अलग दुनिया बनती गई और उस दुनिया में मैं राजा बन गया धीरे धीरे करके डरा हुआ ही सही लेकिन पीने के बाद डर दूर हो जाता था और इसके लिए मुझे बार बार पीते रहना पड़ता और ये बार बार पीने की क्रिया बढ़ती गई शारीरिक तकलीफों में भी कभी ध्यान नहीं दिया रिलेशनशिप में कभी ध्यान नहीं दिया शादी होने के बाद ध्यान नहीं दिया तीन बहनों का भाई औरत को पैर की जूती समझने लगा माँ की छाती से लिपट के बारह साल की उम्र तक सोया हूं लेकिन बीसवें साल में उसको धक्का मारने में मुझे परहेज नहीं लगा शर्म नहीं आई मुझे पता नहीं वो नैसर्गिक इमोशंस कभी विकृत हो गए मैं अपने आप को कभी अहंकारी नहीं समझता था लेकिन मैं हो गया सच्चाई से नाता टूट गया और जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद में पता नहीं जैसे और आग लग गई मैं आज अगर अपने पीने के समय को देखता हूं तो मैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई गति देखता हूं हर टप्पे पे बढ़ती हुई गति ही दिखाई देती है मुझे पता नहीं ये गति इतनी स्पीड में जाती क्यों है शायद पागलपन और मौत की तरफ का प्रवास बहुत जल्दी ला देती है अल्पन कभी ना तो मैंने अपनी गलतियों को स्वीकारा ना ही उनको पहचानने की कोशिश की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में भी या तो मैं जीतना चाहता था अगर नहीं जीत सकता था तो मैं मरना चाहता था जिंकू क्यों मरु और दोनों चीजें अहंकार से ही ताल्लुक रखते हैं बिल कहता है कि हम कभी जीत नहीं पाएंगे इसको जीतना यानी कि कंट्रोल में पीना यानी उसका आनंद लेना कभी ले नहीं पाता हूं जब मैं एक अल्कोहलिक बन जाता हूं तो हर बार की हार वो तय है लेकिन जब छोड़ने की बात आती है दूर रहने की बात आती है तो मुझे जैसे मैं हार गया और एक अहंकारी मन कभी हार स्वीकार नहीं करेगा इसके लिए मौत स्वीकार करता है पी पी के मरूंगा मैंने कई बार बोला है अपने परिवार वालों को और ये झूठ नहीं है दोस्तों सौ पीने वालों में से अगर दस से बारह प्रतिशत अल्कोहलिक बनते हैं तो उस दस से बारह प्रतिशत का एक बहुत बड़ा प्रतिशत किसी भी प्रकार की रिकवरी में आ ही नहीं पाता है तो क्या चीज आने नहीं देती है हम सब जानते हैं क्या चीज आने नहीं देती मेरा गुरु प्राइड बिल कहता है कि हमें कई बार मार ठोक करके उस उस नम्रता की विनम्रता की भूमिका में लाया गया हमने कभी उसको अपनी इच्छा से नहीं स्वीकार किया उसकी तरफ हम पहुंचे ही नहीं इसके लिए बार बार तकलीफ में आते रहे कितने ऐसे एपिसोड है मेरी अनुभव है मेरी सारी जिंदगी में कुछ पीने के वक्त है और कुछ सोब्रिटी में भी है इसके लिए कि हमें तो थोड़ी सी नम्रता की नम्रता से शुरुआत करनी ही पड़ती है ये जानते हुए ये जानने के बाद नम्रता आसानी से आ जाती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मरूंगा मन पुराने व्यवहार से पुराने विचारों से पुराने विश्वासों से घिरा हुआ होता है इसके लिए ये नई तरकीबें जो सिंपल हैं जो सॉफ्ट हैं उन पे न विश्वास करने के बाद के कारण बार बार तकलीफें सहन करता हूं जिंदगी में पहली बार सच्चाई का स्वीकार मैंने एक हॉस्पिटल के बेड में किया था जब एक सभासद मुझे आके मैसेज देके गया, अपनी कहानी कह के गया और मुझे बोलता बोलता बोल गया कि लकी तुम सोचो तुम क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया कल सुबह मीटिंग में आना सोच के आना और मैंने जब ये सारा 28 बरस की उम्र में भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एक जवान सरदार छ फुट का लेकिन उसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं थी जैसे बुझा हुआ चिराग था वो कोई कल्पना नहीं थी कि जिंदगी कैसी जिए जाएगी लेकिन आवाज में फिर भी दम मार के ही बात करने की आदत थी अपनी सच्चाइयों को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं थी बुझदिल इंसान हो गया था मैं आयर था इसके लिए बिना दिखावे के एक पल भी जी नहीं सकता था ना मैं कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और कॉम्प्लिकेटेड मैं हूं इसीलिए तो हमारे परिवार पागल हो जाते हैं तो करे तो करे क्या इसका भाई एक एक पल में ऐसे ऐसे रंग बदलता है कि पूछो ही मत क्या सच्चाई जाने इसकी और जब मदद करने जाओ यानी कि कोई मेरे अगर पेटे में आ गया तो फिर मैं उस पर काबू कर लूंगा साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हुए और अंत तो ऐसा आता है कि मैं ही भूल जाता हूं मैं कौन हूं बिल कहता है जितना मर्जी हम विद्रोह कर लें लेकिन ये जीत और हार का मामला ही नहीं है हमें तो सरेंडर करना पड़ेगा हमें तो हाथ खड़े करने पड़ेंगे और इसके लिए थोड़ी सी नम्रता लगती है जो उस रात सोचते सोचते मेरे मन में आई जब अकेला बैठे बैठे रोया मैं कि मेरी ये सपने नहीं थे मेरी ये अपने आप से अपेक्षा नहीं थी लेकिन ये हो गया अकेला बैठा हूं मेरे पास कोई भी नहीं है एक माँ है एक पत्नी है तीन बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे लेकिन मुझे जैसे मैं इन सब से कोई मेरा नाता ही नहीं है एक ही नाता मुझे दिखा कायम का शराब से दूर रहना सहनीय नहीं था क्योंकि वो डर फिर से आ जाता था ना और बड़ी तेजी से और बड़े विशाल रूप में आता था हर बार का डर बढ़ता था हमें त्याग करना पड़ेगा जो व्यक्ति ये त्याग की भूमिका नहीं ले आता है ना हमें उस अपनी जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज यानी कि त्याग करना पड़ेगा और उसके लिए नम्रता ही लगेगी और वो नम्रता मुझे एक निरीक्षण से आएगी एक ऐसे वातावरण से आएगी जो वातावरण मेरे इस निर्णय को उपजाऊ है इसके लिए अधिकतर हम एल्कोहलिक सोनोनिमस की मीटिंग में ही वो विचार से टटोलते टटोलते जहां पे एक बाजू मेरा सेल्फ जस्टिफिकेशन ये कहता है कि नहीं आप हो गया था बट तू ऐसा नहीं है तू इतना वीक नहीं है तो क्योंकि नम्रता और लाचारी का कंफ्यूजन मेरे दिमाग में शुरू से ही रहा है मैंने इन चीजों को कभी समझा ही नहीं है छोटी सी बातें हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। नम्रता और लाचारी का सीधा संबंध है मेरा हाथ जोड़ के खड़ा होने वाला लाचारी होगा नहीं तो कोई लाचार कोई नम्र हो कैसे सकता है इस बात की भी कल्पना नहीं हुई मुझे आत्मा करुणा और आने वाले गुस्से को घूम घूम के खिड़की से बाहर फेंकना पड़ेगा दिल कहता है हमें वो शराब से दूर रहने के लिए ऐसे लगता था कि इज्जत और पैसा ये मिल जाए तो हम जीत गए फिर, फिर शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमारे को ये होड़ छोड़नी पड़ेगी हमें व्यक्तिगत जवाबदारी लेनी पड़ेगी अपनी इस अवस्था की को दोष देना बंद करना पड़ेगा एंड दिस इज हाउ वी सरेंडर जब मैं अपनी अवस्था की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सॉरी स्टेट और इसके लिए कोई दोषी नहीं है किसी को दोष देने को मन नहीं करता है दिल बताता है कि ये ये सरेंडर की अवस्था है और ये केवल नम्रता से ही आ सकती है नम्रता के लिए लगने वाला शांत मन वो इस सच्चाई से आ सकता है ने मुझे बताते हैं और वो सच्चाई ने मुझे तैयार किया कि मैं उस प्रेयसी का त्याग कर सकूं मेरे जीवन में ये पहली बार शायद ये प्रोसेस हुआ था नहीं तो मैं भगोड़ा इंसान हूं यार छोटा दिखावा फाइट और फ्लाइट करने वाला हूं तो ये त्यागों के बाद में इतनी सी तो विनम्रता आ जाती है और इतना सा आत्मसम्मान आ जाता है कि जिससे हम जिंदा रह सकें नहीं तो दोस्त अर्ली रिकवरी में गई हुई इज्जत खोए हुए पैसे का इतने सारे नुकसान का सोच सोच के ही खून खोलता है खुद पे कई बार लगता था मार डालू यार ये जिंदगी भी जिन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा साला क्या कर लिया मैंने फिर से खड़ा कर पाऊंगा क्या हजारों सवाल तुलना करता है मन अरे इसका वैसा नहीं है मेरा कुछ ज्यादा ही हो गया यार जिंदा रहने के लिए नम्रता लगती है दोस्तों थोड़ा सा आत्मसम्मान वो मुझे बाहर से मिला ये मैं आज अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ये सारे विचार और ये सारी क्रिया बाहर से आई है मुझे मिली है मुझे दी गई है मुझे प्रदान की गई है और ये सब पाने के लिए अपना एम्बिशन वो इच्छाएं और मेरी वो वो गुरूर जो था ना ऐसा कहते कि हारे हुए शराबी के पास क्या होगा अहंकार तो है नहीं कले के पास कुछ है तो नहीं लेकिन गुरूर जरूर है गुमान है उसको मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा चिल्ला के नहीं बोलेगा लेकिन मानेगा भी नहीं और जब ये करने के बाद में धीरे धीरे डर आ जाता था तो हमें पता चल गया कि इसको हैंडल कैसे करना, क्योंकि मुझे एल्कोहलिक ने वो उस बारह कदमों की क्रिया से मुलाकात करवा दी और मैंने कई सभासदों को शेयरिंग में सुना है अपने लिटरेचर में लिखा हुआ है कि हर एक का कदम ही मुझे नम्रता विनम्र बनाता है किसी भी एक के कदम को प्रैक्टिस करने के बाद सोचने के बाद अगर शांति और धीरे वाली मुस्कान नहीं आए ना तो तो कुछ गलत पढ़ लिया तूने या गलत उसका अर्थ लगा लिया है बारह कदम हमें नीचे की तरफ ले जाते हैं ये मेरे स्पॉन्सर ने भी कहा था मुलाकात तो मेरी विनम्रता से हो गई उसका रिजल्ट भी मेरे पास आ गया कि मैं शराब से दूर रहने लग गया और वो जो मेरे बहुत कुछ करके दिखाने के जो सपने थे ना उनको भी मैंने कुछ समय के लिए बाजू में रख दिया बार बार घेरने वाले डर के डर को फेस करने की हिम्मत भी आप लोगों ने दे दी अपने अनुभव के द्वारा मरेगा नहीं लकी डोंट वरी वनडे एट अ टाइम चलता रहे एक, -एक दिन के हिसाब से चलता रहे तो मैंने जब देखा इस बात को विटनेस किया तो वो थोड़े समय के लिए हिम्मत आई कहता है अटेनमेंट ऑफ़ ऑफ़ ग्रेटर ह्यूमिलिटी फाउंडेशन प्रिंसिपल ईच एज अब ये ग्रेटर ह्यूमिलिटी क्या है भाई विनम्रता विनम्रता क्या है तो वो कहता है ये बढ़ती जाने वाली विनम्रता है ये सिर्फ शराब के मामले में यूज करने की चीज नहीं है ये कोई हथियार नहीं है ये तो सांसों की तरह होनी चाहिए जिस प्रकार से वो दिखावा मेरे सांसों की तरह था मुझे उस प्रयास करना ही नहीं पड़ता था नेचुरली आता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था ये सामने वालों को पता लगता था साला ये रोज झूठ बोलता है लेकिन मुझे महसूस नहीं होता था क्योंकि वो सांस लेने जैसा नॉर्मल हो गया था तो ये जो विनम्रता का व्यवहार है ना पहले तो व्यवहार में विनम्रता आई डर के कारण आई तकलीफों से बचने के कारण आई लेकिन जब ग्रेटर ह्यूमिलिटी की बात है तो बिल कहता है इसको और बढ़ा भाई आगे अभी ये अगर इधर तक सीमित रखेगा तो शायद इधर ही मुक्ति मिलेगी बाकी चीजों का क्या सर सेल्फ सर्चिंग संशोधन से मैं उन अंधेरी कोठरियों में लाइट लगा लगा के देखता हूं भाई उस रास्ते पे जो मैं चलते आया हूं देखता हूं कि क्या विनाश किया है मैंने और मुझे मेरे उस नेगेटिव और विकृत कैरेक्टर से मुलाकात होती है मेरी जिसने एक डिस्ट्रक्शन की ट्रेल छोड़ी हुई है कभी औरों की कभी खुद की लेकिन डिस्ट्रक्शन इज कांस्टेंट और अगर ये मैं किसी के साथ तो डर नहीं लगेगा अकेले देखूं तो बहुत डर लगेगा दोस्त और ये डर मुझे जीने नहीं देगा ये कोई ना कोई जल्दी वाली रिलीफ मांगेगा और मेरे लिए तो एक ही रिलीफ है ना दोस्त जो कि मुझे सुन्न कर देती है और फिर एक बार मैं सुन हो गया तो मैं मुक्त हो गया ना भले ही टेम्पोर क्यों ना हो इसीलिए तो बार 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 पीता है शरीर की एक सीमा है शराब भजन करने की लेकिन मन की नहीं है शरीर भरने के बाद में भी हमने अपने शरीर में शराब ठूसी है तो मन ही बोलता था ना पी यार कोई फर्क नहीं पड़ता तेरा गम बड़ा है पी उन अंधेरी कोठड़ियों मैं। में जब मैंने अपने आप को एक निरीक्षक की भूमिका से देखा और सच्चाई जानने की कोशिश की तो मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ था और वो कहता था ये डरने और शर्माने की जगह नहीं है ये गिल्टी महसूस करने की जगह नहीं है ये सिर्फ सच्चाई को स्वीकार करने की जगह है और वो हो सकती है केवल नम्रता से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्यों हुआ कारण क्या हुआ मन बीमार है घूम घूम के लाएगा मुद्दे पे रहना ही नहीं देगा दो मिनट वो विचार के साथ जी और ये महसूस करके तूने किया है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शन फॉर योर ओन स्टेट ले जिम्मेदारी और महसूस कर और बोलता है यही नम्रता मुझे उस उच्च शक्ति की मदद स्वीकारने के लिए तैयार करेगी अहंकारी शराबी ना भगवान है वो भाई भगवान है वो नहीं मदद मांगने दिया ना किसी चीज ने उसको उसके विचारों ने उसके व्यवहार ने उसकी सोच ने नहीं मदद मांगने दी लेकिन मदद तो मांगनी पड़ेगी और अगर मैं सच्चाई को स्वीकार करते हुए वहां ठहरते हुए महसूस करते हुए जिम्मेदारी लेते हुए उस चीज को महसूस करूं ना और वहीं पे रहूं तो मेरा प्रोग्राम कहता है मेरा स्पॉन्सर कहता है कि उसी अवस्था में नम्रता का जन्म होता है मत दे दोष किसी को खुद को भी मत दे सच्चाई है बस एक्सेप्टेड और ये एक्सेप्टेंस मुझे किसी और की मदद उच्च शक्ति की मदद ए की मदद स्पॉन्सर की मदद लेने में मुझे तैयार करता है आगे आगे जैसे कदम चलते जाते हैं तो बड़ा रास्ता तय करने की बात होती है शुरुआत में तो दिखावे की नम्रता पीपल प्लेजर तो हुई मैं ए में आया तो मुझे पॉपुलर बनना ही था क्योंकि पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आता ना गहराइयों में जाना पड़ता है मुझे याद है एक रिकवरी का एपिसोड जब परिस्थितियां माफक होती हैं तो किस प्रकार से मेरे वो पुरानी इच्छाएं और एम्बिशन जागरूक हो जाते हैं चार साल की सोब्राइटी में मेरे पास कुछ पैसे आए और वो पैसे से मैंने घर लेना चाहिए था क्योंकि मेरा वर्कशॉप में ही घर था किराये का घर था किराए की फैक्ट्री थी फैक्ट्री में ही घर था वर्कशॉप में ही घर था घर के ऊपर छत पतरे की थी और अच्छे खासे पैसे आए थे जितना कि मैं सामने वाली बिल्डिंग में अच्छा थ्री बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट ले सकता था सेल्फ सेंटर्ड क्या करेगा आदमी सोबर भी है तो क्या करेगा भाई वो ग्रेटर ह्यूमिलिटी अचीव नहीं हुई है विचारों तक तह तक गई ही नहीं है वो वो सिर्फ वर्किंग ह्यूमिलिटी है जो कि उसको उसके नुकसानों से बचा सके वो मैं नहीं मैं समझता हूं कि शायद वो सावधानी है और मैंने वो कॉमन वेलफेयर का सोचते न सोचते हुए ये मन बीमार है यार क्या क्या लॉजिक जनरेट करता है नहीं सैक्रीफाइस कर सका मैं पर्सनल एम्बिशन फैक्ट्री डालनी थी मुझे बड़ी हारा हुआ था ना शराबी और उसका मुख्य उद्देश्य वापस से अभी दुनिया को छा के दिखाना था मेरी वो अल्कोहलिज्म की डिफीटर फेस असलियत तो ये है कि आई एम अ विनर मैंने सारे के सारे पैसे फैक्ट्री में डाल दिए आनन, फानन काम किया जल्दी से बहुत कुछ करने की कोशिश की और जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त कर ली कि लास्ट में मुझे वो छोड़नी पड़ी लॉस करना पड़ा मैं ए में आया तभी बैंक नहीं था लेकिन बाद में कर्जा ही हो गया ट्रेडिशन वन अवर कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट पर्सनली रिकवरी डिपेंड्स ऑन यूनिटी मेरे परिवार का भला होगा तो उसमें मेरा भी होगा जिस प्रकार से मेरे ग्रुप का भला होगा वो मेरा भी होगा लेकिन उतनी तह तक नम्रता जाती नहीं मौके आते हैं और हम अपनी असलियत में आ जाते बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनुभवों की श्रृंखला से मैंने महसूस किया मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दिखाया और वो बोलता था हमारे सभी समस्या भावनिक होती है ये कोई पैसे की समस्या और ये रिलेशनशिप की समस्या और ये बिजनेस की समस्या आर्थिक समस्या नहीं है दीज आर ऑल इमोशनल इन नेचर हमारे पता नहीं कौन सी कौन सी छिपी हुई किस प्रकार से बाहर आए और जब मौका सामने से आ जाता है एंड यू फॉल फॉर इट वॉज ऑलवेज तो अभी गट लेवल पे ह्यूमिलिटी लेके जाने की बात है और उसके लिए मुझे कुछ इशारा दिया छठे सातवें कदम में सातवें कदम को विनम्रता का कदम कहा जाता है जब मैं अपने आप को उस ऐसी दुनिया में पाने की कोशिश करता हूँ जहां पे मेरी ऊर्जा का स्रोत एक ही है जहां पे मैं व्यक्तियों पे परिस्थितियों पे वस्तुओं पे अपनी खुशहाली के लिए निर्भर करना बंद कर देता हूं देखिए दोस्तों कितना बड़ा विरोधाभास है मेरे जैसे पैसे प्रतिष्ठा और मालमत्ता को सर्वोच्च स्थान देने वाले व्यक्ति से कि जो इनके बगैर एक दिन भी जी नहीं सकता है कि जो वजूद खत्म कर लेगा फैक्ट्री मेरी बेच डाली मैंने कर्जा देने के लिए और मुझे ऐसा लगा कि मैं यार क्या मूल्य के मैं जीने के लायक ही नहीं हूं किसी और का दिया हुआ जीवन मिटाने को चला गया सुसाइड करने के ख्याल आ गए ऐसे क्या जीवन में अस्तव्यस्तता है कि किस चीज को कीमत देनी है पता ही नहीं है महसूस होने लगा धीरे धीरे कि हां भाई ये तो है ही क्योंकि तो बिल कहता है ना इन गॉड्स इकोनॉमी नथिंग इज वेस्टेड थ्रू फेलियर वी लर्न असन इन ह्यूमिलिटी विच इज प्रमेश्वर की ये रचना में इकोनॉमी में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है जब जब मैंने मूकी खाई है तब तक मैंने एक विनम्रता का सबक सीखा है जो कि शायद मेरे लिए जरूरी था दर्दनाक था लेकिन जरूरी था मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अनुभव से सीखता है जो तह तक ले जाने के लिए ह्यूमिलिटी इन थॉट एंड एक्शन भाई बिल कहता ना ह्यूमिलिटी फर्स्ट भाई हमारे जैसे शराबियों के लिए उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी हमको ये नए जीवन में पुनः स्थापित होना है तो विचार ही नम्रता का उधर से ही शुरुआत कोई किले फतेह नहीं करने हमने कोई चीज आके मेरे को मार के डरा के नहीं जाएगी डर है लेकिन ये जानने के बाद उसके साथ जीने के लिए विनम्रता ही लगेगी ना मन खुला रखना विपरीत परिस्थितियों में भी वो श्रद्धा बनाए रखना क्योंकि श्रद्धा मेरे को एक स्टेप और आगे ले जाएगी मैं जानता हूं कि कई लोगों का मैं नुकसान कर सकता हूं जिन्होंने मेरे को दुखाया है लेकिन आज मेरे पास चॉइस है आई डोंट वॉन्ट टू डू इट चीड़ आ जाती है कभी कभी मन में ख्याल आता है बट नो आई नो कि ये उसका सवाल ही नहीं है ये मेरा सवाल है दोस्त क्योंकि तो मेरे अंदर वो बच्चा भी जिंदा है और मेरे अंदर वो डेविल भी जिंदा है मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और इसका मेरे पास एक ही जरिया है एल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारह कदम जो मुझे मेरी उन इच्छाओं को अपेक्षाओं को अपने से दूर करने में मदद करते हैं, जो कि फ्लो के साथ में जाने को छुटकारा देते हैं वो खुद के सपने और कल्पनाएं और पता नहीं क्या क्या चीजों के उस अडम्बार से उस खुद की गुलामी से मुक्ति देते हैं खुल के सांस ले सकता हूं किसी भी व्यक्ति को गले लगा सकता हूं आजादी देती है तो कहा है मेरे पास आजादी दोस्तों और ये सारा मैं चॉइस से प्रैक्टिस करता हूं कि उस श्रद्धा उस ने टप्पा दर टप्पा मुझे ये दिखा दिया जीवन में पीछे मुड़के जब आज मैं ड्रिंकिंग पीरियड में या रिकवरी में भी देखता हूं तो क्या दिखता है मुझे जो होना था वो हुआ लेकिन मैं कभी भी हम्बल नहीं था कुछ लम्हों में कुछ वक्त में वो यूमिलिटी दिखती है वो ग्रुप में छोटी छोटी जिम्मेदारियां स्वीकार करते करते खुशी से अपने आप को वॉलेंटियर करते हुए दिखने लगती हैं चीजें फैमिली में पार्टिसिपेशन करते हुए बाट के खाते हुए कोई गलत भी है तो चुप बैठ के उसको बोलने देते हुए कोई बात नहीं चार आदमी के बीच में नहीं है पूछेगा तो बताएंगे मैं कोई मास्टर नहीं हो गया मैं कोई मसीहा नहीं हो गया मैं कोई डॉक्टर नहीं हो गया थोड़ी सी कृपा हुई है तो जानकारी मिली है मुझे और दिस प्रैक्टिस ऑफ िटी मैं समझता हूं आज मेरे पास ये इतना बड़ा असेट हो गया है कि मुझे लाचारी महसूस होने ही देती मैं नहीं।, नहीं होने देती कई बार ह्यूमन इकोनॉमी के ऊपर नीचे के काम होते हैं लेकिन मैं जानता हूं वो व्यवहार है यार और व्यवहार को मैं उस उच्च शक्ति से जोड़ने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो मिथ्या है व्यवहार तो व्यवहार के जैसा ही चलेगा तुम नहीं करो तो कोई और करेगा वो तो तुम व्यवहार में गुस्से कितना हो उस पर विश्वास कितना रखते हो इस बात पे सब कुछ डिपेंड करता है इफ यू आर डिटेच तो यार बिजनेस भी होगा ऊपर नीचे तकलीफें भी आएंगी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएंगी कुछ अच्छा भी होगा कुछ गलत भी होगा बट तुम्हारी इकोनॉमी तो अलग है ना दोस्त जो बिल ने कहा था गॉड्स इकोनॉमी तुम तो यार वो व्यक्ति बन जाते हो कि जो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है समुद्रों के लहर के परे की तरफ देखता है जिसे ये सारी रचना में उसका एक बहुत छोटा सा नगण्य सा जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती ऐसा एक अस्तित्व दिखता है उसको बहुत सारे हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं एक ही सेवा में हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं जब आप पीआई के लिए जाओ और देखो एक नए एरिया में जाकर के जब फैमिलीज के पास से देखो सुनो बात करो प्रयत्न करने की कोशिश करो तो महसूस होता है कि यार मेरी समस्या मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी लेके बैठा था मैं और ये देख और तू यहां पे कुछ कर सकता है यार तेरे को वो ताकत मिली है और दैट दैट ब्रिंग्स एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस सेल्फलेस सर्विस आए हुए नए व्यक्तियों के साथ काम करते करते धीरे धीरे आती हुई रौनक वो पत्नी जो साथ में डर डर के लाती थी जिसके चेहरे पे जैसे खून था ही नहीं थोड़ी सी ऊर्जा से आ रही है लकी भाई बोल रही है सुन रहे हैं बोल रही है इट्स एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस दोस्तों क्योंकि अब मुझे शायद एल्कोलिक्स नॉनिमस ने वो पाइपलाइन में मोड़ दे दिया पहले जो ऐसे अनुभव सीधा ईगो को बूस्ट करते थे अब ऐसे अनुभव वो ईगो को दबाते हैं तू ही तू दिखता है फिर सब कुछ तेरा एक मरता हुआ अल्कोहलिक जिसको खुद को जीना नहीं आता था दोस्त आज अगर वो किसी की उस खुशहाली में वनडे एट ए टाइम में कुछ, कुछ सहभाग दे रहा है तो हुआ धने बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है थिंक मेरा टाइम हो रहा है एंड आई नो मैं जानता हूं ये ये अनुभव करने वाली चीजें दोस्तों मैं अगर बताना भी चाहूं मैं कितना विनम्र हूं तो अहंकार का पार्ट हो जाता है ये प्रैक्टिस करने की बात है ये जानते हुए कि मेरे अंदर का वो राक्षस वो डेविल एक मौका देखेगा और फन उठाएगा बट उसके साथ में जीने की तैयारी पूर्णों की तरफ पूर्णत्व की जाने की बेवकूफी करना छोड़ दिया मैंने बहुत बार करने की कोशिश की है जानता हूं पवित्र हो नहीं सकता हूं और पवित्रता की तरफ जाना भी बेवकूफी है उसको स्वीकार करना ही नम्रता है विनम्रता है उसके साथ में जीना ही विनम्रता है क्या आज अपेक्षाएं भंग नहीं होती है होती है अपेक्षा करना धीरे धीरे छोड़ता जा रहा हूं क्योंकि अनुभव वैसे आ रहे हैं देख महसूस कर रहा हूं और प्रैक्टिस करता हूं तो समझ में आता है हाँ यार यह भी एक तरीका है सो थैंक यू टू द ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग थैंक यू